गीता का दूसरा उपदेश इस सत्य पर आधारित है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। चाहे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका परिणाम निश्चित है। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वे किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करेंगे, और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो उनकी सजा भी आपको भोगनी ही पड़ेगी। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कर्म का फल अवश्यंभावी है और इससे कोई भी बच नहीं सकता। गीता के इस उपदेश का मूल तत्व यह है कि प्रकृति और परमात्मा हर व्यक्ति के कर्मों पर नजर रखते हैं। चाहे हम कितना ही छिपकर कोई कर्म करें, वह ईश्वर की दृष्टि से बच नहीं सकता। श्री कृष्ण के अनुसार हमारा हर कर्म प्रकृति के न्याय की कसौटी पर है और हर कर्म का हिसाब होता है। यही न्याय का सिद्धांत हमारे जीवन को दिशा देता है और हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देता है। एक गांव की कथा इस उपदेश को अच्छी तरह से स्पष्ट करती है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। वे दोनों धन कमाने के लिए शहर गए और कुछ वर्षों में काफी धन कमाया। उन्होंने सोचा कि अब वे अपने गांव वापस लौट जाएं। उस समय यात्रा की सुविधाएं कम थीं, इसलिए वे बैलों पर यात्रा कर रहे थे। चलते चलते रात हो गई और उन्होंने एक स्थान पर रुकने का निर्णय लिया। एक मित्र ने कहा कि वह वहीं रहकर धन की रक्षा करेगा, जबकि दूसरा बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था करेगा। बाजार जाने वाले मित्र के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यदि वह अपने मित्र को मार दे तो सारा धन उसका हो जाएगा। उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया। जब वह वापस आया और उसका मित्र जहर वाला खाना खाकर मर गया, तो वह सारा धन लेकर घर वापस आ गया। घर लौटने पर उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जो बहुत बीमार रहने लगा। उसने अपने जीवन की सारी संपत्ति अपने बेटे के इलाज में लगा दी, पर उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। एक दिन उसने अपने बेटे से पूछा कि वह इतना बीमार क्यों रहता है। तब उसके बेटे ने बताया कि वह वही मित्र है जिसे उसने जंगल में मार दिया था, और अब वह अपना बदला लेने के लिए उसके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। उसने कहा कि अब उनका हिसाब बराबर हो गया है और इसके साथ ही उसका जीवन समाप्त हो गया। यह कथा गीता के उपदेश को स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। चाहे हम कितना भी चालाकी से कोई कार्य करें, उसका परिणाम हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। गीता के इस उपदेश का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। यह हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनाता है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गीता के इस उपदेश को समझकर और अपने जीवन में लागू करके हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। गीता के इस उपदेश का महत्व आज के समय में भी उतना ही है जितना कि हजारों साल पहले था। हमारे समाज में यदि हर व्यक्ति इस उपदेश को समझे और अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बने, तो निश्चित ही एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की दृष्टि से कोई भी कर्म छिपा नहीं रह सकता। हमें अपने कर्मों को इस प्रकार करना चाहिए कि वे न केवल हमारे लिए बल्कि समाज और प्रकृति के लिए भी लाभकारी हों। हमें सदैव यह याद रखना चाहिए कि हमारे हर कर्म का एक परिणाम होता है और हमें उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहकर उन्हें सही दिशा में करने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण के इस उपदेश को समझकर और उसे अपने जीवन में लागू करके हम एक संतुलित और सुखमय जीवन जी सकते हैं। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति हमारे कर्मों का परिणाम है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार गीता का यह उपदेश हमें एक बेहतर और सफल जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। कर्म और उसके फल का विषय भगवद गीता में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह न केवल अर्जुन के लिए था बल्कि समस्त मानवता के लिए था। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम का अर्थ है कि जो कर्म किया गया है उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा, चाहे वह कर्म शुभ हो या अशुभ। इस उपदेश का हमारे जीवन में कई प्रकार से महत्व है।
आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्म का फल अनिवार्य है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ेगा, चाहे हम कितनी भी चालाकी से क्यों ना बचने की कोशिश करें, कर्म के परिणाम से बच नहीं सकते। यह समझ हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत और जिम्मेदार होना चाहिए। इस उपदेश से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक और नैतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब हमें यह ज्ञान हो कि हर कर्म का फल मिलेगा, तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे कर्म सदैव शुभ और परोपकारी हों। यह दृष्टिकोण हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देता है और हमारे जीवन को सकारात्मक बनाता है। कर्मों का फल अनिवार्य होने की बात हमें आत्मनियंत्रण सिखाती है। जब हम जानते हैं कि हमारे हर कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा, तो हम स्वाभाविक रूप से आत्मनियंत्रित रहते हैं और कोई भी नकारात्मक कर्म करने से पहले सोचते हैं। यह आत्मनियंत्रण हमारे जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश न्याय की अवधारणा को भी मजबूत करता है। जब हमें पता होता है कि हर कर्म का फल मिलेगा, तो हमें विश्वास हो जाता है कि इस ब्रह्मांड में न्याय का शासन है। यह विश्वास हमें दूसरों के साथ न्यायपूर्ण और ईमानदार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी हमें अपने कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। ऐसे समय में यह उपदेश हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। हमें यह समझ में आता है कि सही समय पर हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता के इस उपदेश का अंतिम लक्ष्य आत्मा की मुक्ति है। जब हम अपने कर्मों का फल भोगने की अनिवार्यता को समझते हैं, तो हम अपने कर्मों को सुधारने और आत्मा की शुद्धि के प्रयास करते हैं। यह प्रयास हमें मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का भी उपदेश दिया है। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम भाव से कर्म करना, अर्थात फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना। जब हम जानते हैं कि कर्मों का फल अनिवार्य है, तो हम बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। यह कर्मयोग हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। इस उपदेश के पालन से हमारा व्यक्तिगत विकास होता है। हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। यह जागरूकता हमें आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और नैतिक व्यक्ति बनाती है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगने की अनिवार्यता को समझता है और अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होता है, तो समाज में सामंजस्य और शांति स्थापित होती है। यह समझ समाज को संगठित और समृद्ध बनाती है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करता है। जब हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक होते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धि के प्रयास करते हैं, तो हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। यह उन्नति हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण का अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम उपदेश हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। यह हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनाता है, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है, आत्मनियंत्रण और धैर्य सिखाता है और अंततः हमें मोक्ष की दिशा में ले जाता है। इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाकर हम एक संतुलित, समृद्ध और आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं।